एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित मुकरपुर खेमा गांव पड़ा। लगभग 25,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय के समीप तो वहीं ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव की प्रधान रजिया खातून है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 10,700 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर दिखाई दिया। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण भी कराया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई जा चुकी हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, सीसी रोड तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। शकील अहमद, ग्राम पंचायत मुकरपुर खेमा और बुखारा, विकास खंड हल्दौर, जिला बिजनौर। मेरी ग्राम पंचायत में सरकार से आवंटित धन का सदुपयोग किया गया है और मेरी ग्राम पंचायत के अंदर एक प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं आए हैं, ना ही उनका कोई आवंटन मुझे मिला है। और यहाँ पर मेरी ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, बच्चों के लिए खेलने का मैदान भी नहीं है। मेरी सरकार से अपील है, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार, दोनों सरकारों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन आवंटित करें ताकि मैं चहुंमुखी विकास कर सकूँ।